इंतज़ामिया से भाईजान थे मेरे साथ, जिन्होंने मुझे साथ में बहुत ज़्यादा गाइड भी किया इसका जो है वो। देखें टिकट ऑफिस तो बंद हो चुका था, लेकिन इन्होंने साथ में मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बिठा के लाया। इनको मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि यार मैं बेसिकली हूँ मरी से। तो देखें ये इनकी हॉस्पिटैलिटी है यार, ये यहाँ पे टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा गाइड भी कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं। तो इनका मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारी यूट्यूब। यार ये एक मंथ पहले मैंने आपके साथ वीडियोज़ शेयर की हैं, तो उस टाइम पर जब मैं यहाँ से चेयर पर नहीं बैठ सका था तो मैं बड़ा मायूस होकर बड़ा दुख हो रहा था मुझे यहाँ से वापसी जाने को, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था यार, बाइक था साथ में, मैं जो है वो इसलिए चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठा था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे जो है वो कोडिंग से जो है वो कोडिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से टाइम निकाल के यहाँ पर आया था। तो अब तो एक वीक से मैंने कोई भी अपनी स्टडी नहीं की, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा काम ही जस्ट कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है। तो इस वीक जो है वो नहीं हो सकी कोई भी कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग वगैरह, बस स्नोफॉल को ही जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज मौका मिला अपनी चेयर लिफ्ट इस खूबसूरत मौसम में आप लोगों के साथ शेयर करने का। ये देखें ये गाड़ी, अमेजिंग यार, बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ के। मेरे पास एक्शन कैमरा भी पड़ा हुआ है, उस पर उसको भी स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो क्वालिटी अच्छी देखने को मिल सके। देखें ये यहाँ पे हॉर्स राइड वगैरह, ये है यार हमारी चेयर लिफ्ट का एंट्रेंस मेन गेट। सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रही होती हैं, सो देख के तवज्जो ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता ही उतरना होगा। दरख्तों से तो स्नो गिर चुकी है, अगर दरख्तों पे स्नो होती तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होता। ये टिकट ऑफिस है, देखें यहाँ पे कोई पार्किंग का निज़ाम नहीं है, लेकिन इसका जो दूसरा एंड है हमारे घर के करीब वाला, उस पे जो है वो पार्किंग वगैरह अवेलेबल है। ये इसका बुकिंग ऑफिस है, शायद बंद हो चुका है यार। ये था बुकिंग ऑफिस जो कि बंद हो चुका है, और प्रीवियस ईयर प्रीवियस प्लेलिस्ट में 700 का टिकट था और इस ईयर 800 का हो चुका है। चलें कोई सीन बनाते हैं, यहाँ पे कोई होगा जानने वाला तो उससे बातचीत करते हैं। देखें चेयर लिफ्ट तो बंद हो चुकी है, आपने खुद देखा टिकट ऑफिस बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं भाई से, जानने वाले ही होंगे सब लोग यहाँ पे। ऐसे बैठना होता है यार, बड़ा मुश्किल है बैठना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार सफ़र हमारा चेयर लिफ्ट पे जारी हो चुका है। चेयर लिफ्ट तो बंद हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अंकल थे जानने वाले, तो उन्होंने बिठा दिया। स्नो काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन दरख्तों से कम्प्लीटली गिर चुकी है। ये हमारे घर से 5 मिनट की जो है वो पैदल चल के ना, 5 मिनट हम लोग पैदल चलते हैं तो इसके दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो इसका जो पार्किंग का सिस्टम है ना, वो नीचे वाले एंड पे है, जिस एंड पे अभी हम लोग जा रहे हैं। तो इस ऊपर वाले सिस्टम पे जो है वो इतना पार्किंग का कोई अच्छा निज़ाम नहीं है। 2023 के अंदर हमने जो प्ले लिस्ट आपके साथ शेयर की है ना, उसमें तो हमने जो है वो इसका टिकट 700 रुपये था, और अभी इस टाइम पे 2024 के अंदर इसका टिकट जो है वो 800 रुपये का चल रहा है। और इसके अलावा इसकी राइड तकरीबन 15 से 20 मिनट की है, आधे घंटे की है। अच्छा, आना जाना जो है वो आधे घंटे का है, और खाली जो है वो एक साइड में तकरीबन 15 मिनट की है। और इसके अलावा मैंने ना, जी सर, सर्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी तो स्नो अगर हो रही हो लाइव तो फिर मज़ा आ रहा हो इसका। हमने जो है वो डे ही ऐसा चूज़ किया है कि अभी इस टाइम पर जो है वो लाइव स्नो नहीं हो रही,
तो कल की डेट में काफ़ी ज़्यादा स्नो एक्सपेक्टेड है, अल्लाह करे जो है वो कल हमें स्नो जो है वो देखने को मिल जाए। तो इसके अलावा यार, जैसा कि मैंने आपके साथ ना माल रोड से एक पिक्चर शेयर की थी, इसकी ओल्ड पिक्चर जो वहाँ पे फ्रेम में लगी हुई थी, और वो इस जगह से ली गई थी वो पिक्चर। देखे वो सामने वो जो है देखने वो को मिलेगी जी, बिल्कुल ये सामने इस फ्रेम में देखने को मिल रही है, जो कि 2000 से 2021 तक पिक्चर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इस फ्रेम पे हमें ये पिंडी पॉइंट वाली चेयर लिफ्ट देखने को मिल रही है, जिस साइड पे अभी हम जा रहे हैं। और ये नीचे स्नो तो देखो यार, यहाँ से अगर मोबाइल डिवाइस गिर जाए तो रोला है। साथ में ये हमारा जू भी है, जो कि अभी इस टाइम पे तो बंद हो चुका होगा, कभी आपके साथ वो शेयर करेंगे। 2023 में यहाँ से लोगों की साथ में चीखें निकल रही थी, कुछ याद आया, उसमें से ना एक रिमिक्स करके मैंने एक पार्ट आपको जो है वो प्रोवाइड किया था। ये यहाँ से जो है वो असल घबराहट जो है वो हो रही होती है। इसके ऊपर से अम्ब्रेला नहीं है। 2023 में इतना एक्सपीरियंस नहीं था यार यूट्यूब का, लेकिन अब तो तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करते, मरी को प्रमोट करते, मरी की जो खूबसूरती है, मरी की जो चीज़ें वो आपके साथ शेयर करते हुए। हाँ बिल्कुल, ये देखें कितने जालिम लोग हैं यार, इधर आके लोगों को तंग कर रहे होते हैं, फिर आप लोग कहते हो यार मरी वाले हमारे साथ अच्छे नहीं करते। ये देखें ना यार, आप लोग भी तो अच्छे काम नहीं कर रहे, वो देखो जुल्म कर रहे हैं। वो जो लोग चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए हैं बेचारे, वो तो कुछ किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते ना, तो ये देखो ये ऐसे जुल्म ना किया करो यार आके, ये देखो कितने जुल्म कर रहे हो ये टूरिस्ट लोग। फिर आप लोग कहते हो हमारे साथ मरी वाले लोग ज्यादती करते हैं, प्लीज़ यार ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब जो हैं वो आपस में भाईचारे से यहाँ पे इन चीज़ों को एंजॉय करें तो कितना अच्छा हो। अब ये देखें लोगों को मार रहे हैं बर्फ, तो अगर किसी के अभी मेरे हाथ से ये मोबाइल 50,000 रुपये का मोबाइल गिर जाए तो देखो मेरा कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा। ये देखो इनके फेसेस पहचानो यार, ये कैसे अजीब लोग हैं, इनके फेसेस पहचानो। मैं अपने मोबाइल डिवाइस तो पहले सही से पकड़ लूँ, ये कितने जालिम लोग हैं यार, इनके फेसेस पहचानो। ये देखो एक्सपोज कर रहा हूँ मैं इन्हें, दिखाओ भाई, ये देखें कितने जालिम लोग हैं, ये देखें देखें कितने शोदे लोग हैं, ये देखें देखें इनके फेसेस, देखें इनके फेसेस, वो देखें वो देखें इनके फेसेस, देखें गालियां भी दे रहे हैं, देखें गालियां भी दे रहे हैं, फेसेस देखें इनके,